हेलो दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन। सो एट अ सर्टेन टेंपरेचर, किसी फिक्स टेंपरेचर पे एंड टोटल प्रेशर ऑफ 10 टू द पावर 5 पास्कल्स, जो आयोडीन वेपर है दैट कंटेन्स 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडीन के वेपर्स आपको दोनों में नजर आ रहे हैं, बट एक आयोडीन मॉलिक्यूल की वजह से, दूसरे आयोडीन एटम्स की वजह से। सो देन से इनके जो आयोडीन एटम्स की वजह से जो वॉल्यूम है दैट इज 40%, एंड जो टोटल प्रेशर है दोनों ही गैशियस पार्टिकल्स की वजह से दैट इज 10 टू द पावर 5 पास्कल्स। अब आपको फाइंड आउट करना है केपी की वैल्यू फॉर इक्विलिब्रियम। तो जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था, तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में निकाला था। अब इस बार जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो प्रेशर के रेस्पेक्ट में निकालोगे, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द गैशियस पार्टिकल्स। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो गैशियस पार्टिकल्स होते हैं दे एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द वॉल्स और आपस में एक दूसरे पे भी। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो गैशियस पार्टिकल्स के लिए अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन होती है, तो आप वहां पे उनके लिए केसी की बजाय केपी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो देखो, जिस तरह से हम वहाँ पे केपी का फॉर्मुला यूज करते थे, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे केपी के लिए फॉर्मुला यूज करेंगे। वहां पे कॉन्सेंट्रेशन यूज करते थे, अब हम प्रेशर यूज करेंगे। तो प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट मेरा कौन है? आयोडीन के एटम्स और उसकी पावर 2, बिकॉज दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड द स्टोइकोमेट्री इज इक्वल टू 2। ठीक है, बिल्कुल वही चीज है, बट यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाय द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है? आयोडीन मॉलिक्यूल और उसकी पावर, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये तो हो गए इनके प्रेशर्स की वैल्यू, बट क्या मेरे को प्रेशर की कोई इन्फॉर्मेशन है? डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं है, बट मुझे इनडायरेक्टली इन्होंने बता रखा है कि जो इन आयोडीन वेपर्स का 40% पार्ट है वो कौन बनाता है? सिर्फ आयोडीन के एटम्स। तो 40% वॉल्यूम तो सिर्फ आयोडीन के एटम्स कवर कर लेते हैं, तो बचाओ तो 60% कौन करेगा? आयोडीन के मॉलिक्यूल कर लेंगे। इज दैट राइट? अब जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर कौन कौन सी गैसेस की वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ आयोडीन प्लस आयोडीन के एटम्स। तो यही मिलके तो टोटल 100% प्रेशर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि इसमें कितना पार्ट आयोडीन की वजह से है, तो दैट विल गिव मी द प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम्स, राइट? तो वो कैसे हम करेंगे? 40% ऑफ 10 टू द पावर 5। तो 40% को क्या मैं 40/100 लिख सकती हूँ, और जो टोटल प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। आप इसको सॉल्व कर लो, तो देखो यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे, इधर 2 जीरो कट जाएंगे, एंड दिस विल गिव मी 4 × 10 टू द पावर 4 पास्कल्स। ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आ गया। ये यहाँ से कट गया, ये इधर से इधर कट गया, एंड 10 टू द पावर 4। इसी तरह से अगर आपको प्रेशर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो नाउ दिस इज 60% वॉल्यूम, तो 60/100 × टोटल प्रेशर, तो ये हो गया आपका इस तरह से, एंड दिस विल बिकम 6 × 10 टू द पावर 4 पास्कल। इज इट क्लियर? तो अब मेरे को प्रेशर जो है आयोडीन एटम्स और आयोडीन मॉलिक्यूल के मिल गए। तो अब आपको केपी निकालना इज वेरी सिंपल। अब आप क्या करो, फॉर्मूला आपके सामने है, आयोडीन का प्रेशर, आयोडीन एटम्स का प्रेशर, विच इज 4 × 10 टू द पावर 4, एंड दिस इज पास्कल्स का होल स्क्वायर, राइट? इसी तरह से डिवाइड कर दो आप विद द प्रेशर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल, जो कि कितना हो जाएगा? 6 × 10 टू द पावर 4 पास्कल्स। इज दैट क्लियर? तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे, तो देखो आपकी यूनिट जो है वो इट इज नॉट डायमेंशनलेस, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है ना। इसको मैं चाहे तो इस तरह से भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली ये जो आपका पास्कल है दैट वुड बी कैंसल विद वन ऑफ द पास्कल इन न्यूमरेटर। तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी, विच इज जो कि आप यहाँ से देख सकते हो, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, सो यू विल बी गेटिंग योर वैल्यू एज 0.266 × 10 टू द पावर 5, जिसको कि आप रीअरेंज करोगे, सो यू विल गेट इट एज 2.67 × 10 टू द पावर 4 पास्कल्स। पास्कल्स आ रही है, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, कि जो केपी है हियर इट्स द यूनिट इज पास्कल। ओके, सो आई होप कि दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है। सो यस, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड गुड बाय।